हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बोलिए क्या, बच्चों का फेवरेट चॉकलेट से बना चॉकलेट कपकेक्स, जो ही मेरे बच्चों को और सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चॉकलेट कपकेक्स। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर, और बीच में आपको ट्रिप एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ये यूज किया हुआ सॉल्ट मैं डाल के गरम करने रख दूंगी। ओके, इसको थोड़ा सा बेस बनाने के लिए इसको दबा दें, और हम इसको कवर करेंगे तेज गैस पर 10 मिनट। के लिए मैं इसको कवर करके रखती हूँ, और आइए चलते हैं मिक्सचर की तरफ। गाइस, ये मार्केट में सनबीन की बीटन कॉफी आ रही है, सबसे पहले ये लेना है हमें। इसको हम लेंगे करीब 1 टीस्पून मैंने निकाल लिया है। ये देखिए लिक्विड टाइप सा होता है ये, और इसके अंदर हमें आधा कप गरम पानी, आधा कप कौन सा, जो हमारा मेजरमेंट वाला कप होता है, वो डालकर हम इसको ऐसे, ये मैंने हाफ कप पानी के अंदर, मतलब इसको मिला के रखना है गरम पानी के अंदर, इसका लिक्विड हमें तैयार करना है। इतने ये पिघलता है, हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। इसे हम रख देंगे इसको पिघलने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले लूंगी 1 कप मैदा। गाइस, मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्लीज़ आप मेजरमेंट कप वगैरह सब ला के रख लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा केक जो हम जो भी कोई चीज़ बनाते हैं वो चीज़ हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये है हमारा, देखिए गाइस, हर चीज़ हमें मेजरमेंट करके लेनी है। ये है हमारा 1/4 कप कोकोआ पाउडर, ये भी हम मिक्स करेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना है, सारे सूखे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें एक साथ करके छानने हैं। अब है ये हमारा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये भी जाएगा, और ये है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट से क्या होता है कि टेस्ट थोड़ा एनहेंस होकर आता है। इसके बाद है हमारा 2/3, मैंने नाप के रखा हुआ है सब, 2/3 कप शुगर, पीसी हुई शुगर है, घर की शुगर है, जो मैंने इसको पीस के रखी हुई थी। अब इसमें क्या है, हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसको छान लेंगे। देखा मैंने आपको कहा था छानना ज़रूरी है, ये देखिए मोटे मोटे लम्स आ जाते हैं, बस आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद मैंने ये देखो ये दोस्तों लिया है 1/2 कप, ये आप याद रखिए प्लीज़, सारे मेजरमेंट कप ले आइए, 1/2 कप ये हमने कर्ड डाल दी है। कर्ड को पूरा ही निकाले ताकि राइज करने में आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ये 1/2 कप हमने कर्ड लिए। इसके बाद 1/4 कप हम ऑयल लेंगे। ऑयल प्लीज आप ऐसा ले जिसमें इसकी कोई खुशबू ना हो, मतलब खुशबू ना हो जिसकी अपनी कोई, ये प्लीज आप याद रखिए, जैसे सरसों का तेल वगैरह की अपनी खुशबू होती है तो आप उसको ना लें, नहीं तो फिर केक में वो स्मेल हो जाएगी। इसको हल्का हल्का मिलाएं। इसके बाद मैं लूंगी ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस।
और ये देखिए दोस्तों, जो हमने ये बना के रखा था कॉफ़ी का, हॉट कॉफ़ी जो बना के रखा था पानी के अंदर, वो मैं धीरे धीरे डालकर, एक बार में ना डालें, धीरे धीरे डाल के मिक्स करते रहें। इसमें जो टेस्ट आएगा ना, कॉफ़ी प्लस चॉकलेट, वो आपको खाने से ही पता लगेगा। बनाइए और खाइए, जो कॉफ़ी का टेस्ट आएगा और चॉकलेट का टेस्ट आएगा ना, फिर आप कहेंगे कि आपने क्या रेसिपी बताई है। बट ये है कि इसके लिए पहले आपको घर में बनाना होगा। ये देखिए, जितना हमने इसका बनाया था लिक्विड कॉफ़ी और हॉट वाटर का, वो पूरा हमारा इसमें जा चुका है। बट ये इसमें मिक्सिंग का है, आप प्रॉपर मिक्स कीजिए इसको, प्रॉपर मिक्स कीजिए। और मेरी आप पहले आप कंसिस्टेंसी देखिए, अभी भी थोड़ा सा है, मिक्स करेंगे क्योंकि पानी अलग है, अभी मिक्सचर से पानी अलग है। इसको पूरा हम लोग मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तभी हर एक बाइट में आपको चॉकलेट और कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। देखिए अब बिल्कुल ठीक है, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। आप ये जो कप्स होते हैं, आप इसको ग्रीस की कर लीजिए प्लीज़। ग्रीस करेंगे तो बहुत इजीली आपका निकल आएगा बाहर। ऑयल से आप ग्रीसिंग कर लीजिए। ये सब ग्रीस हो जाए, इसके अब मैं आपके बाद, इसके बाद एक बात बताती हूँ। ये सब ग्रीस हो गया, अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा, मेरे बेटे की स्पेशल रिक्वेस्ट है ये कि मम्मा इसमें ये वाइट चॉकलेट चिप्स और बटर स्कॉच दोनों मिला दीजिए। इससे क्या होगा, टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। ये हमने मिक्स कर दिया, ये ऑप्शनल है, आप मिलाओ या ना मिलाओ, ऑप्शनल है। बट ये कि बच्चे ने मेरे बोला है तो मैं मिला रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, नो डाउट टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। मिला दिया है मैंने इसको, अब मैं क्या करूँगी, इन कप्स को मैं फिल करूँगी। और फिल गाइस इतना करना है, हाफ हाफ कर लीजिए, क्योंकि राइस जब ये होगा तो हमें राइस करेगा तो थोड़ी इसको स्पेस भी चाहिए। गाइस इसको हम लोग ऐसे टैप कर देंगे ताकि इसकी एयर सारी निकल जाए। अब हम इसको कढ़ाई में रखेंगे। ये देखिए हमारा ओवन का काम क्या है, स्टैंड रख दिया है मैंने इसके अंदर, और ये जाली वाला रखे, कोई भी प्लेट हम रख सकते हैं जो कि इसमें फिट आए। अब इसके अंदर ये सारे ग्लास एडजस्ट कर दें, पांच पांच छः छः करके हम लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम 20 मिनट्स के लिए कवर कर देते हैं और गैस को बिल्कुल सिम गैस पे कर, वो तो पहले से ही थी, सिम गैस पे कर देते हैं। और प्लीज चेक कर ले कि कहीं से ये इसकी भाप ना निकले। देखिए फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ हमारा टूथपिक वाला टेस्ट, अगर साफ निकले तो इट्स मीन क्लीन है, तो इसका मतलब हमारी, इसमें देखती हूँ, क्लीन है हमारी टूथपिक, तो हमारे ये कपकेक्स रेडी हैं। अब मैं इसको निकाल कर जो सेकंड बैच है वो भी डाल दूंगी। कढ़ाई में से निकाल के मैंने थोड़े ठंडे कर लिए कपकेक्स, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फेवरेट चॉकलेट सिरप डालूंगी, और मैं आपको एक निकाल के भी दिखाऊंगी, एक अनमोल्ड करके दिखाऊंगी एक आपको। ये चॉकलेट सिरप तो क्या है कि बच्चे आराम से खाएंगे, और उनको जो लिक्विडी चॉकलेट सिरप आएगा तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ एक। ये देखिए, एक मैंने छोटा वाला पीस आपको निकाल के दिखाया है, कितना यम्मी, कितना सॉफ्ट बना है। और इसके अंदर गाइस देखिए, जो मेरे बेटे ने, आपने देखा ही होगा जब मैंने इसके अंदर ये चॉको चिप्स वाइट चॉकलेट वाला डाला था, ये भी कितना अच्छा दिख रहा है इसमें सारा का सारा। और मैंने इसके साथ डाला था बटर स्कॉच वाला भी, वो भी कितना क्लियर और साफ नज़र आ रहा है। मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा है। वाओ, बटर स्कॉच का टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है, और वाइट चॉकलेट का तो कहने की बात क्या है, बेस्ट टेस्ट लग रहा है। जो उसके अंदर क्रंचीनेस आ रहा है बटर स्कॉच का, यम्मी। तो दोस्तों, आप भी ये बनाइए घर पर, खाइए और इंजॉय कीजिए इन कप केक्स का। वाकई बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी, और होममेड ऐसे हो तो पता नहीं कितनी बना के बंदा खा ले। तो कीजिए ट्राई और खाइए और मज़े कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।